चला और मैं मेरे को हुआ, तो उसके बाद बीच में एक थोड़ी देर के लिए आया था मैं किसी उसमें, और सेशन में ही आया था। उतार दूं फिर तुम ये तो नहीं लिखोगे सर, उन्हें कार रखी है इनको तो। हाँ मेरे मेरे से तो नहीं लगेगा, लेकिन इनको तो कोई नहीं पूछेगा, मेरे बारे में लिख देंगे कि कोविड की वो इन्होंने पालना नहीं की है। चलो कोई नहीं। तो उसके बाद यहाँ आने का मेरा को मौका नहीं मिला आपसे मुलाकात करने का, सेशन में ही। और सेशन में भी ऐसा, तुम्हारी प्रेस गैलरी तो गई वहां से हैं, वो तो हरियाणा निवास में आ गई, और इतना मैं ज्यादा जान सकता था वहां विधि होकर, तो इस वास्ते आज सभी साथियों को मिलाया, बात भी करेंगे। मुद्दे आपको मालूम है आज हरियाणा की क्या स्थिति है, और विधानसभा में हमने हर मुद्दा उठाने का प्रयास की, लेकिन मैंने शुरू में कहा था समय कम है, 3 दिन का समय ना काफी था। जिस हिसाब से आज हरियाणा के हालात हुए, आज हरियाणा जो है आर्थिक तौर पे क्राइम के उसमें, महंगाई में, बेरोजगारी में, देश में सबसे जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज वो प्रदेश हर चीज में नीचे खिसक रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी कह रही है, हर जगह कह रहे हैं। जो भी ये 7 साल हो गए सरकार को बने, और पीछे बीजेपी जेजेपी को भी 2 साल हो गए, इनका घोषणा पत्र देखो, इनका जो कहता हमारा कॉमन मैनिफेस्टो हम बनाएंगे, उसमें से एक भी कोई वायदा इन्होंने पूरा किया हो। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, घोषणाएं करते हैं, और काम दो ही करते हैं। काम उनका है सर्वे सर्वे और सर्विलेंस, तीसरा कोई काम नहीं है सरकार का। कोई गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो उनको लाभ पहुंचे, बेरोजगारों के लिए कोई भी वो नहीं हुआ। आपके सामने है जिस प्रकार से बेरोजगारी में तो सीएमआई रिपोर्ट से नंबर एक है ही हरियाणा, और फिर वो तो है ही नंबर एक, लेकिन नीति आयोग की भी जो इस साल रिपोर्ट आई है उसमें भी हरियाणा बिहार और झारखंड के पीछे बड़ी स्टेटों में, मतलब तीसरे नंबर पे है। क्यों? सीएमआई की तो कहते हैं कि भाई ये रिपोर्ट जो है वो कोई उसकी है, कांग्रेस की, वहां का दिखाइए भाई। ये परिभाषाएं कैसे बदलती हैं, ये आपके सामने निकाली दुश्मन। 2019 में चुनाव से पहले जो आपके आज उप मुख्यमंत्री हैं, सीएमआई की रिपोर्ट पे क्या उन्होंने ट्वीट किया, ये देखो है, ये उनका है, दो ये है 5 सितंबर 2019 का, दुष्यंत चौटाला, शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर एक पर पहुंच गया, मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियों, हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं, दूसरी ओर हरियाणा की बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7% पर पहुंच गया है।
अब कैसे परिभाषा बदल गई भाई, अब ये कैसे हो गया, जब तो इस पे रिलाई किया जा सकता, जब तो ठीक अब गलत, इन दोहरे मैदान कैसे। अगर ये कांग्रेस की है और बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहां 4% को दिखाया गया और यहां 8.9 क्यों दिखाया गया, 8.1 क्यों दिखाया गया, 28.9 क्यों दिखाया गया। अब नीति आयोग की भी रिपोर्ट है वो आपके सामने है, तीसरे नंबर पर दिखाया गया। और रोजगार देने की बजाय जो खाली जगह है, चाहे वो पुलिस महकमे की हो, चाहे वो पुलिस महकमे में हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, एजुकेशन की डिपार्टमेंट की हो, लाखों जगहें खाली पड़ी है, कोई निकालेंगे जगह, विड्रॉ कर लेंगे। जैसे गीता जी ने विधानसभा में बताया, किसी यूनिवर्सिटी में कोई वो नहीं हुई, रिक्रूटमेंट नहीं हुई, और पेपर लीक कर देंगे। जो लुटाई ये पेपर लीक में हुई है हरियाणा के युवाओं की, जैसे हमने मांग की कि भाई सीबीआई की जांच कराओ आप, मैं ये समझ से बाहर है कि अगर इनको कोई है ही नहीं, ये कहते भाई ठीक है ये तो वो है, तो सीबीआई की जांच कराने में क्या संकोच है इनको। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है जो संकोच कर रहे हैं, नहीं तो हर चीज के लिए तो बहुत जल्दी करते थे ये सीबीआई की इंक्वायरी करने के लिए। इंटर स्टेट मामला हो चुका है ये, कुछ आदमी जम्मू में पकड़े गए, कल को पंजाब में कोई पकड़ा जाएगा तो क्या करेगी हरियाणा पुलिस। इसको तुरंत सीबीआई को देना चाहिए ताकि लोगों को वो हो, हैं, हाँ विश्वास हो। और दूसरा मैंने कहा था कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी से सीबीआई की इंक्वायरी एक इशू है, दूसरा अभी जाके बाकायदा पब्लिसिटी पे तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इस बात की भी पब्लिसिटी करें कि भाई किसने कितने पैसे दिए, कितने लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे जो लुटाई हुई है। मतलब जैसे मैंने कहा, नौकरी चाहिए तो लखपति चाहिए, लखी चाहिए, इनको लखी ले सकता है नौकरी हरियाणा में। और भाई पेपर लीक करना तो करोड़ी चाहिए, करोड़ दे दो पेपर मिल जाएगा, लाख दे दो नौकरी मिल जाएगी। परचून की दुकान बना दिया हरियाणा को, नौकरियां हिस्सा भी की है, तो लखी करोड़ी पैदा कर दी भाई इनने। यहां पर हरियाणा का जो बेरोजगार है उसका भविष्य अंधकार में। इसी प्रकार से किसानों का जो लैंड एक्विजिशन, हर फैसला इनका किसान विरोधी, लैंड एक्विजिशन में जो अमेंडमेंट के लेके आए हैं, इतनी मुश्किल से लैंड एक्विजिशन हुआ 2013 में, 1894 का था, किसान के हित का बना। अब जो भी ये लेके आए हैं टोटल किसान के अहित का है, चाहे वो 70% कंसेंट की बात हो, उसको खत्म करने लिया जो 10 है इन्होंने किया है, जैसे मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते थे उसको भी कर दिया, और जो हाँ डिफेंस के लिए और चीजों के लिए कर सकते थे जरूरी उस देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब तो इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें कर दी, उसको छूट दे दी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है किसान की कंसेंट तो गई जो कंसेंट जरूरी थी,
कलेक्टर को पावर दे दी। हाँ मतलब तो ये तो पूंजीपतियों के हाथ में गई, किसान विरोधी है, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं ना वो उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का। और मकसद में समझ में आया कौन से प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने किए। अरे लैंड बैंक हरियाणा के पास बहुत है, उसको यूटिलाइज कर लो, जो आईएमटी है खरखौदा उसको कर लो, आईएमटी रोहतक खाली पड़ा है, फरीदाबाद है, ये आपका सहा है, कितनी जगह आप कर सकते हो हैं? हाँ फिरोज का मेवात में है, वो खाली पड़े हैं। जो एक्विजिशन करी हुई लैंड जो एक किसान के हित की है दादूपुर नलवी, वो डिनोटिफाई कर दी, जो कि डार्क जोन की थी सारी जमीन, वो जो ये कहते हैं 22 तक हम आमदनी दुगनी करने वाले बात है। तो एक भी फैसला इनका किसान और गरीब आदमी हक में नहीं। जो कलेक्टर को पावर दे दी कि भाई वो करे, कोई मालूम कोई लैंड ओनर चले गए और उनका हो गया, उसी टाइम जो है एक्विजिशन कर दे विदाउट आस्किंग फॉर एनी ऑब्जेक्शंस। भाई कोई लैंड ओनर है, उसकी जमीन में से किसी का रास्ता जा रहा है, किसी का रजवाया जा रहा है, किसी को ईजमेंट राइट मिला हुआ है, किसी ने मोर्टगेज का रखा है, किसी ने ठेके पे ले रखा है, कोई साजी मिला हुआ, उनकी कोई सुनवाई नहीं। इसका मतलब मजदूर कोई उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो ये तो मतलब आपके सामने है किसानों के और लोगों के विरोधी वो है। और इसी वास्ते मैंने कहा था भाई ये सिलेक्ट कमेटी भेजो। क्या थी भाई इतनी जल्दी क्या थी? सिलेक्ट कमेटी भेजते, डिस्कस होता, अगर कोई ये कहते बहुत अच्छा इसका नतीजा निकलेगा तो सबके व्यूज लेते। ये लैंड एक्विजिशन के मामले में इनको वापस लेना चाहिए, और हम आग्रह करेंगे गवर्नर साहब से भी इसको राष्ट्रपति के पास ना भेजा जाए मंजूरी। देखिए 75वां साल है हमारे स्वतंत्रता दिवस, आज बड़ी जोर शोर से हरियाणा सरकार भी कह रही है, लेकिन फ्रीडम फाइटरों की एक पैसा उन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई 7 साल में, जहां छोड़ गए थे वहीं, इतना तो उनका सम्मान है। जो उनके पोते पोतियों को हम देते थे, चलो उस टाइम 21,000 देते थे, कितना मेरे को याद नहीं, वहीं की वहीं, कोई एक भी ऐसा वो नहीं जो उनकी कर। 75वां साल है, चलो मना, अब तो कुछ तो करते, सोचो हैं कितने। अगर हरियाणा में 4,500 पेंशन लेते थे तो आज तो बेचारे 400 ही होंगे, मुश्किल से 400 ही होंगे जो पेंशन ले रहे हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार को। महंगाई का मैंने आपको बताया, महंगाई किस तरह वहां से पकड़े, एक कदम महंगाई कम करने का नहीं। डीजल कहां से काम, मैंने कहा कितनी बार कहा, और वहां तमिलनाडु में स्टालिन की गवर्नमेंट बनी है, एक मिनट में कम कर दिया 3 रुपए लीटर। यहाँ क्या वो है भाई, अपना वेट तो कम कर ही सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है कि अपना वेट कम कर लो, जिसको सस्ता देना है तो क्यों नहीं हरियाणा सरकार करती। भाई डीजल की भाव बढ़ गया, खाद बढ़ गया, पेस्टिसाइड्स बढ़ गए, लेकिन किसान को MSP भी नहीं मिल रहा। जो मक्का का MSP था, मेरे पास रसीद है, 1400 की तो रसीद है, लेकिन बिका वो 1900 से 1850 MSP, और वो बेचारे का किसान का लिया कहीं 1000 में, कहीं 1200 में, कहीं 1400 में, उसको MSP भी नहीं मिल रही। लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। तो ऐसे समय में किसानों की मदद करने की बजाय और उसके ऊपर वो ये कर रहे हैं। देखिए ये जो साल गुजरा, कोरोना आया, बड़ी भारी सारी दुनिया में आया, सबको दिक्कत हुई, हमारे यहाँ भी, वी कांट बी एक्सेप्शन, सबको बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ रही,
प्रयास भी किए, लेकिन हमने उससे सीख क्या ली? पहली वेव से दूसरी वेव तक कोई तैयारी नहीं करी। अब ये कह रहे हैं तीसरी वेव आएगी, नीति आयोग वाले कह रहे हैं वो तो यहां तक चले गए, रोज के 4 लाख केस होंगे। अब क्या तैयारी है इनकी? कितने तो पैरामेडिकल स्टाफ इन्हें भर्ती किए, कितने डॉक्टर भर्ती किए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, कितने और बेड एड किए। ऐसा विधानसभा में इनको बताना चाहिए था, हमने इतनी तैयारी की है, लेकिन बताएंगे क्या? थाने के पास कुछ है ही नहीं इनके पास। हाँ एक बात जरूर कह दी कि जो वायदा किया था नर्सिंग स्टाफ से, जो जो कोरोना वॉरियर से, चाहे बेचारे सर्व सफाई कर्मचारी थे, इनके हम दुगने वो देंगे, वो मना कर दिया। तो क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी सरकार की भाई, जब पहला ही वायदा नहीं पूरा किया? तब तीसरी वेव की तैयारी है क्या है? खोल के बताना चाहिए, हम इतनी भर्ती कर रहे हैं, हम ये तैयार हैं, हम सब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, सबको इकट्ठा मिलकर लड़ना है। लेकिन सरकार को कुछ तो वो लेनी चाहिए, अपनी खाली वाहवा एडवर्टीजमेंट से काम चलेगा सरकार का? इवेंट मैनेजमेंट से काम तो नहीं चलेगा आपका। और जैसा मैंने कहा, किसान की तो बात अलग है, हरियाणा के बारे में भी सरकार ऐसी सरकार, बेरुखी सरकार मैंने देखी, जो अपना हिस्सा भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में पिछले एक साल से हरियाणा का मेंबर ही नहीं है। देखिए, जब से भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बना है, वहां इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का होता है और पावर का मेंबर पंजाब का होता है, और चेयरमैन जो है वो 4 स्टेट पार्टनर है, इनसे बाहर का होता है। इससे पिछले 4-5 साल में मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, चेयरमैन भी नहीं, इन्हीं की स्टेटों में से एक बन गया, और एक साल से हरियाणा का मेंबर ही नहीं है, इरिगेशन मेंबर नहीं है। तो उसका क्या नतीजा हुआ कि पावर का मेंबर भी पंजाब, हरियाणा इरिगेशन का मेंबर भी पंजाब, बंटवारा वो करेगा, हरियाणा को हिस्सा कहां से मिलेगा? जब ही तो इतनी किल्लत हुई, जितनी राइस सूट्स में 15-15 दिन 20-20 दिन लेट हुए, रोज हम टेलीफोन करते रहे, क्योंकि आपका वहां कोई है ही नहीं, और अब भी नहीं भेजा। क्या एक चीफ इंजीनियर होता है, एक चीफ इंजीनियर पे नहीं कर सकते अब जो अपना हका खुक की लड़ाई लड़े? और मेरे को पता नहीं, मैंने सुना है ये हरियाणा सरकार की, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि ऐसी बात चल रही है वहां कि 4 स्टेटों में से कोई किसी का मेंबर बन जाओ, अगर ऐसा हो गया तो हरियाणा का तो हित कभी मिलेगा नहीं। उस बात को अगर कोई है चल रही है तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि जो हमारा हक का है मेंबर रहे और इरिगेशन मेंबर हरियाणा ही रहे, हरियाणा का ही रहे, नहीं तो ये बड़ा भारी नुकसान हमारा होने जा रहा है। एक था समय था जब हरियाणा बना 66 में, उस टाइम एक मेडिकल कॉलेज था पंजाब के समय का, 2005 तक सरकारी कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं था। उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, प्राइवेट भी बने, यहाँ हुआ लड़कियों की मेडिकल कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो अलग बात मैं बता रहा हूँ। तो लोगों ने रुचि लेने लगे, डॉक्टर बनने लगे, जो हमारे बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए वो यहाँ पढ़ने लग गए, डॉक्टर बनने लग गए, मिलने लग गए। वो उसका क्या किया, 8 लाख फीस थी 8 से 22, इसका मतलब गरीब आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन नहीं सकता भाई, आम आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन नहीं सकता 22 लाख अगर है आप तो। इतनी सरकार की क्षमता है कुछ उसकी फिक्स करके, आमदनी फिक्स करके सब्सिडाइज करे,
सरकार क्यों नहीं करती थी? मतलब गरीब आदमी को और आम आदमी को, बच्चे को यहाँ डॉक्टर बनाने का हक ही नहीं रहेगा क्या? तो ये सारे ऐसे काम इन्होंने किए हैं। एक और इन्होंने स्कीम चलाई आज से 5 महीने पहले, शायद पिछले सेशन में मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की थी, वो थी मुख्यमंत्री अत्याधुनिक परिवार क्या है उत्थान, हाँ अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान। उसका जवाब आया है, क्या है इनका, ये था भाई 1 लाख उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो कुछ नहीं आया भाई, क्या देंगे, ये है व्याख्यान करेंगे उनको। व्याख्यान तो तुम्हारे इतने पोर्टल हैं, जब आप कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं उनका, क्या है तेरे पास भाई, देख भाई, तो उसका व्याख्यान करेंगे। अरे व्याख्यान करेंगे तो भाई बहुत बहुत है, तुम्हारे रोज अखबार रहे, इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देने लगे, फिर स्कीम की क्या जरूरत है, व्याख्यान तो कर लो, तुम कर ही रहे हो। वही मगर इवेंट मैनेजमेंट, एक बताएं कि भाई ये लाभ दे, जैसे हमने किया था 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप का फैसला किया था, गरीब आदमियों के आगे मकान मकान बना के दिए थे, ये बताए तो इसमें कौन से वो किया है, वो तो बीपीएल के लिए था, सरसों का तेल भी था, ये जो बता रहे हैं आइडेंटिफाई करें 1 लाख आदमी करेंगे, इसमें क्या बेनिफिट दिया सरकार ने अलग से, खाली व्याख्यान करेंगे अभी तुम्हारी ये स्कीमें हैं, ये स्कीमें तो सब योजना की पहचान अथवा लाभों की रूपरेखा के मिलाने हेतु जोनल कमेटी द्वारा चिन्हित परिवार के सदस्यों से संपर्क किया जाएगा। कब किया जाएगा भाई, जोनल कमेटी का गठन किया जा रहा है, क्षेत्रीय समिति चिन्हित परिवारों के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, कौशल विकास आदि के संबंधित विभागों के तहत उपलब्ध विभिन्न योजनाओं की व्याख्यान करेंगे। ये इनका जवाब है, देंगे कुछ नहीं, व्याख्यान करेंगे, व्याख्यान करेंगे, पर भाई सरकारी अमला ठमला क्या करेगा, तुम कर रहे हो क्या, पब्लिक रिलेशन करेगी, और क्या आप लोग करोगे जो एडवर्टीजमेंट में इतने पैसे जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत मुद्दे थे, जैसे मैंने कहा था शुरू में कि भाई बहुत कम समय है, मेजोरिटी अथॉरिटी में तो अकेला था बीएसी में, मैं कहा 1 हफ्ता तो चलाओ, और हमने निवेदन किया, मैंने आभार भी व्यक्त किया स्पीकर साहब का, भाई 0 आवर शुरू करो ताकि कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाने ही मिल जाए। उन्होंने एक नया किस्म का 0 आवर बना दिया जो हमने कभी सुना ही नहीं, कि 3-3 मिनट बोलेंगे, आज अखबार में इतने आदमियों ने कहा 3 मिनट में व्याख्या वो ज्वलंत मुद्दा बताया जाएगा, क्या कभी नहीं कहीं देखा मैंने भाई 0 आवर में 3-3 मिनट का, ये तो एक मतलब करकाने वाली बात होगी, गलत है। मैं तो इसी बात से असेंबली में कहता भाई, इसी बात से मैंने कहा था भाई, अगर इससे अच्छा तो ना है, हम उठ कर रोड़ा तो कर लेंगे, है 3-3 मिनट का, मतलब 0 आवर भी अपने किस्म का बना, 0 आवर दिया अच्छा था, मैंने सोचा भाई ज्वलंत मुद्दे उठेंगे चलो ये मौका मिलेगा, लेकिन वहां भी मौका गायब, ऑक्सीजन की बात आए तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भाई 1 आदमी भी नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से, जबकि पूरे अखबार भरे, या तो आपके अखबार झूठे भाई या हम झूठे, कौन झूठा, ये तो मतलब तो कोई हाई लेवल ही इंक्वायरी साबित कर सकती है ना, कितने अखबार है भाई ये देखो, आप लोगों के भरे जनता में है, ये आप लोगों के अखबार भरे पड़े हैं ऑक्सीजन की कमी से मरे, या तो कौन बताओ कौन से अखबार आपके झूठे या हम झूठे भाई या वो झूठे, झूठा तो मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन गुमराह हाउस को करना अच्छी बात नहीं है। चलो उन्होंने अब कमेटी बनाई है, उस सत्रीय कमेटी, अब तक तो कोई नाम आए नहीं तो इतनी देर में तो काम शुरू होना चाहिए, तुरंत तो उसका गठन करके इस बात की जांच कराई जाए और पूरा एडवर्टाइजमेंट कराया जाए।
ये ऑक्सीजन से, मैं तो एक ही बात कही थी उनको, भाई आप पहले दिन आपने कोई नहीं मेरा, अगले दिन मैं यही कह रहा हूँ, हाँ आना कह दो, आपने कल बात कही थी वो फिर। तो खैर उन्होंने बनाई कमेटी, तो जल्द तुरंत गठित करके और ये बनाए, और विधानसभा में जो है जो मौका देना चाहिए था, जो आज के ज्वलंत मुद्दे हो उससे हमारे साथी वंचित रहे। 3 मिनट में तो भाई अपना नाम और गांव में बता सके आदमी, और तो कुछ नहीं बता सकता। मैं तो इस बात का ऐतराज किया था, एक मिनट बस, लेट मी फिनिश। जब आपसे उसमें हुए एक इवेंट में जब और चला रखा है इन्होंने कि फ्री अनाज 5 किलो, कोई नई स्कीम तो है नहीं, ये तो हमारे समय में भी है, और उस समय तो सरसों का तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, दाल भी मिलती थी, वो तो सब गायब हो गए। कहते हैं सरसों तेल का पैसा देंगे हम, किताबें बच्चों को देनी नहीं कि किताबों को पैसा दे, मार्केट में प्रिंट ही नहीं हो रही किताब, बच्चा तो मतलब ये बगैर किताब के बच्चे रह जाए। एक 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 मास्टर एक एक स्कूल में है, इतनी कमी शिक्षा का बिल्कुल है ना, क्या कहूं, चौपट कर दिया हरियाणा में। इसी तरह जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी हमारी, उसकी ग्रेडेशन लो कर दी, उसकी ग्रेडेशन बढ़ा दी, जो हम जिस लेवल पे कंपटीशन कराते हैं, जहां बच्चे को मौका मिलता आगे जाने का, वो कंपटीशन कम कर दिए। डीएसपी हम बनाते थे, डीएसपी भर्ती करना बंद कर दिया, अब जिनकी जो डीएसपी भर्ती हुए उनकी प्रमोशन नहीं देते। तो ये जो है खेल नीति में भी इन्होंने खिलवाड़ की है। तो कोई भी मतलब पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसकी मैं ये हो। खैर आप लोगों से मिलने का मन था भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, और किसी भी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। है जी, माइक दो भाई उधर। नहीं, अब आग्रह किया है, और हम अपना बात करके गवर्नर साहब से भी आग्रह करेंगे, मिलेंगे भी कि भाई इसको ना भेजा जाए आगे, और इसका विरोध करेंगे बिल्कुल। ये जो है किसान विरोधी कानून, जिस मकसद से ये लैंड एक्विजिशन बिल बना था किसान के हित के लिए, ये उसका मकसद ही खत्म कर दिया इन्होंने। हैं, हाँ, काला कानून बना दिया किसान। हैं, वहीं आप देख रहे थे कि सीधी तस्वीरें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर उन्होंने सदन में वो तमाम सवाल उठाए जिनको विपक्ष ने घेरना था, और तमाम सवालों के उन्होंने यहां पर जवाब भी दिए कि हमने किस तरीके से सदन में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, और वो सारे सवाल उन्होंने पूछे, चाहे वो कोरोना के हो, चाहे पेपर लीक का हो। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहे हरियाणा न्यूज़।